जिनको हमने हिंदू धर्म कहा, वह हिंदू धर्म सृष्टि निर्माण का साइंस है। हिंदू धर्म इज अ साइंस ऑफ क्रिएशन ऑफ ए यूनिवर्स। सत्ता और अपने घर की सियासत से टकराकर वीएचपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी से नीचे आ चुके प्रवीण तोगड़िया का राजनीतिक दबदबा इसी के साथ समाप्त हो गया है। ये किसी के लिए समाप्ति है तो किसी के लिए शुरुआत। वीएचपी, बीजेपी और आरएसएस के भीतर की राजनीति एक नई राह पर चल पड़ी है, जिसके तिराहे पर आज तोगड़िया अकेले खड़े रह गए। कहते हैं इतिहास जब जब बदलता है तो भूगोल को अपने आप रास्ता देना पड़ता है। साल 2014 के बाद तोगड़िया दो बार ही चर्चाओं में रहे, एक बार कैमरे के सामने आंसू बहे तो चर्चा हुई, फिर 2018 के चौथे महीने के पहले हफ्ते में इतिहास ने अपना रास्ता ही मोड़ लिया। 52 साल बाद वीएचपी में चुनाव हुआ तो तोगड़िया के पैर के नीचे से सियासत की जमीन खिसक गई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर में अपनी हुंकार से हलचल मचाने वाले तोगड़िया ने डॉक्टरी की पेशा को अलविदा कह दिया था। हिंदुवादी राजनीति उनके रगों में बस गया था। 10 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े, 16 की उम्र में संघ में स्वयंसेवक बनाए गए। इसके एक दशक बाद तोगड़िया के लिए वीएचपी के दरवाजे खुले तो वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। देश में राम मंदिर का आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ इसमें शामिल तोगड़िया का कद भी वीएचपी में तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। तोगड़िया और नरेंद्र मोदी की सियासी गाड़ी एक ही वक्त में निकली थी। दोनों साथ साथ आरएसएस के कार्यक्रमों में जाते थे। 80 के दशक में तोगड़िया वीएचपी के हो गए और नरेंद्र मोदी बीजेपी के। ये राहें भले ही अलग हुई लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे। गुजरात में बीजेपी अपनी सियासी पौध को 90 के दशक के मध्य तक पेड़ में बदल दिया। 1995 में शंकर सिंह बाघेला कांग्रेस के साथ होकर नई सरकार बना ली। नए राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए बाघेला ने तोगड़िया को जेल में भेज दिया। तोगड़िया के लिए उस वक्त नरेंद्र मोदी ने आंदोलन किया था। जेल से निकलते ही प्रवीण तोगड़िया का कद आसमान को चूमने लगा। वीएचपी में कद और पद दोनों बढ़ा। मोदी के लिए तोगड़िया और तोगड़िया के लिए मोदी हर मोड़ पर खड़े रहते थे। 2002 के गुजरात दंगे के दौरान तोगड़िया हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की सूची में सबसे ऊपर आ गए। फिर गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ तो तोगड़िया ने बीजेपी के लिए जान फूंक दी, लेकिन जीत के बाद गुजरात में बीजेपी सरकार में उनकी पहुंच धीरे धीरे कम होने लगी। पहली बार तोगड़िया सियासी रूप से मजबूत होते हुए भी कमजोर नजर आने। 2003 में त्रिशूल बांटने के आरोप में अजमेर में फिर से तोगड़िया को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसके बाद भी यह काम चलता रहा। कहने वाले कहने लगे कि मोदी और तोगड़िया के बीच पहले जैसी मधुरता नहीं रही। कोर्ट कचहरी की बातों से लेकर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति ने तोगड़िया को अकेला कर दिया। ये मुश्किल की घड़ी बनी रही। 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तोगड़िया अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे लेकिन फायदा नहीं मिला। साल 2011 में तोगड़िया वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। इसके दो साल बाद 2013 में उनके ऊपर 19 क्रिमिनल केस दर्ज हुए। ये वही साल था जब अयोध्या में उन्हें दूसरे वीएचपी नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। तोगड़िया से मोदी के रिश्ते बिखर गए थे। 2014 में मोदी पीएम बन गए। मोदी को लेकर तोगड़िया की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। मिलने के लिए कई दफे वक्त मांगने के बाद भी मोदी ने कभी तोगड़िया से मुलाकात ही नहीं की। 2018 में अचानक तोगड़िया के गायब होने की खबर आई, लेकिन जब सामने आए तो कैमरे के सामने ही रोने लगे। ये हिंदुत्व की राजनीति करने आए एक बड़े नेता के कमजोर हो जाने की कहानी थी। वीएचपी में अपने पद पर होते हुए भी संघ और बीजेपी से उनकी दूरी दो दुनिया की दूरी के बराबर हो गई थी। तोगड़िया के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया। उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। हिंदुत्व के लिए हुंकार भरने वाले एक हिंदू नेता की राजनीतिक कहानी यहीं खत्म हो गई। वैसे हुनरमंद होने का यही फायदा होता है। डॉक्टर से हिंदुओं के नेता बने तोगड़िया फिर से डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का ऐलान किया।
एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।